एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी अगर उसकी मां बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोती है तो उससे ज्यादा अनपढ़ कोई और हो सकता है। हमने ज्ञान तो अर्जित किया, उस ज्ञान से हमने नौकरियां तो ले ली, उस ज्ञान से मकान तो सुंदर बना लिए क्योंकि पैसा अच्छा कमा लिया, लेकिन आज भी महिलाओं का सिर नहीं धुलवा पा रहे। ये अज्ञानता है, ये अविद्या है और ये ही दुख है। अगर कोई महिला बृहस्पतिवार को सिर धोले तो बुखार हो जाएगा। मेरे पास एक बच्चा आया, मैं स्कूल भी चलाता था, उसने गले में बहुत सारे काले पीले धागे बांध रखे, तवीज बांध रखे। चौथी क्लास में बच्चा पढ़ता था, मैंने आते पूछा भी ये क्या बांध रखा। उसकी मम्मी ने कहा कि भंते जी बस इसी को हाथ मत लगाना। मैंने कहा क्यों? इनके उतारते इसको बुखार हो जाता है। मैंने कहा ये साइंस तो बहुत बढ़िया है। मैंने उसी के सामने कैंची से काट करके मैंने कहा कि आज के बाद बिल्कुल बुखार नहीं उतरेगा क्योंकि मैंने काटा है। उस बच्चे को बता दिया कि आज तो बुखार बिल्कुल भी नहीं होगा और होगा कल भी नहीं, परसों हो जाए तो मेरे पास आ जाना। उस बच्चे को तो बुखार हुआ नहीं, उसकी मम्मी को बुखार हो गया। मैंने अगले दिन फोन करके पूछा, उसकी मम्मी का फोन आया, जी बेटे को बुखार तो नहीं हुआ? मुझे बेटे को तो नहीं हुआ, उसने कहा जी मेरे को हो गया। तो डर किसके मन में था, बच्चे के या महिला के? मां के। ये डर है, ये अविद्या है। आप कितनी भी डिग्री ले लें अगर ये अविद्या खत्म नहीं हुई तो डर खत्म नहीं होगा, और डर खत्म नहीं होगा तो कभी भी सुख नहीं मिलेगा। बुद्ध ने कहा कि डर को खत्म होना चाहिए। आज भी मैं देख रहा हूं हम कितने अविद्या में हैं। आपका बेटा एग्जाम देने जा रहा है, नौकरी का एग्जाम है, और जो ही वो घर से निकला और आगे से बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई छींक दे या कुत्ता कान फड़फड़ा दे तो आपके मन में क्या पैदा होता है? डर पैदा होता ना। और समझदार महिलाएं क्या करेंगी? बेटा वापस आ जा, एक गिलास पानी पी ले ताकि बिल्ली ने रास्ता काटा वो रिपेयर हो जाए, कुत्ते ने कान फड़फड़ाया, कुत्ते का अपना मकसद था, कान में मक्खी बैठी होगी वो अपने कान से तो उड़ाएगा। कुत्ता अपना काम कर रहा है, बिल्ली अपने भोजन की तलाश में जा रही है। आपका इम्तिहान, बेटे का इम्तिहान दिल्ली में था, बिल्ली यहां घूम रही है, इम्तिहान दिल्ली में है और घबरा मम्मी रही है। हम अविद्या में जीते हैं। इस अविद्या को नष्ट किए बिना, इस अविद्या को खत्म किए बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता। अब सारी महिलाएं एक अवधारणा में हैं। अवधारणाएं भी कैसी हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई पुरुष बाल बड़े बड़े कर ले तो आप सभी क्या कहेंगे कि बुरा लगता है, देखो उसके बाल कितने बड़े बड़े हैं, कितना बुरा लगता है। और कोई महिला बाल कटवा ले तो क्या कहेंगे, देखो पर कटी सी दिखती है। अब ये कौन तय कर रहा है कि महिलाओं के बाल अच्छे लगते हैं, लंबे बालों में तो महिलाएं अच्छी लगेंगी और पुरुष बाल लंबे कर रहे तो बुरा लगेगा? महिलाएं बाल कटवा ले तो बुरी लगेंगी, पुरुष बाल बड़े कर ले तो बुरा लगेगा? अब ये अवधारणाएं हैं, ये अविद्या है। बालों का सुंदरता से क्या संबंध? अगर बालों का सुंदरता से संबंध होता तो पुरुष भी लंबे लंबे बाल रखते और हम तो बिल्कुल भी नहीं रखते, लिस्ट में हमारा नाम तो कभी भी नहीं आ सकता। सिर्फ मैं बता रहा हूं हम अविद्या में जीते हैं, पूरा जीवन हम अविद्या में जीते हैं और इस अविद्या के कारण हम दुखी रहते हैं। इसका समाधान क्या है? बुद्ध कहते हैं कि इसका समाधान यह है कि सबसे पहले हम स्वीकार करें कि यह अविद्या है। सारी महिलाएं चूड़ियां पहन के बैठी हैं, पढ़ाया गया कि चूड़ी पहनना कायरता है, लेकिन महिलाओं को समझाया गया कि चूड़ी सुहाग है। एक ही चीज दो चीजें अलग कैसे हो सकती हैं?
महिलाओं को पढ़ाया गया कि चूड़ी सुहाग है, ये सिलेबस में नहीं था। सिलेबस में पढ़ाया गया कि चूड़ी पहनना कायरता है, अगर तुमसे एक काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो। अब सारी महिलाओं ने चूड़ियां पहन ली, और सबसे अच्छी बात उनके जीवन साथी ने पहनाई। अब यहां मंच के लोग नारे लगाते हैं, आज तो नहीं लगाए, कहेंगे कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, क्या बताते हो? मैं बोल रहा हूं, दोबारा बोलना, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बिल्कुल, बुद्ध ने यही कहा है कि मानव मानव एक समान है, लेकिन हम क्या समान हैं? अगर एक समानता का भाव है तो आज सभी उपासिकाएं मेरा कहा मान लें। आपने चार चूड़ियां पहन रखी तो दो अपने जीवन साथी को पहना दो, मानव मानव एक समान। ताली वही बजाए जिसकी समझ में आ जाए। देखिए, बुद्ध का दर्शन बड़ा व्यवहारिक है। एक बात समझ में आ जाए तो जीवन की सारी बाधाएं टूट जाएं। हम कितना अविद्या में हैं। शादी तय हुई, पहला उपहार होने वाले पति की ओर से चूड़ियां मिली, चूड़ियां मिली, स्वीकार कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम आधी चूड़ी लौटा ही देते। क्या पति का स्वागत नहीं होना चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? अगर चूड़ी पहनना सुहाग है तो पति बिना सुहाग के क्यों घूमे? या तो चूड़ी एक उनको भी पहना दो, या अपने उतार के खुट्टी के टांग दो। अगर मैं ये कहूंगा तो पता क्या होगा, घर में झगड़ा शुरू। हर महिला कहेगी, अरे तुम्हारी चूड़ियों क्या हो गया, हाथ बड़े बुरे लगते हैं। अब हाथ बुरे लगते हैं ये अविद्या है। पुरुष चूड़ी पहन ले तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुम्हारे हाथ बुरे लगते हैं, ये अविद्या है। इस धारणा में बंध जाना ही अविद्या है, प्रज्ञा नहीं है। हम कितने पढ़ लें, धारणाओं से नहीं लड़ पा रहे। इन धारणाओं में बंधे होने का नाम ही दुख है। बुद्ध कहते हैं स्वीकार करो कि ये अविद्या है, और जो स्वीकार करते हैं तो उस अविद्या से बाहर निकला जा सकता है। और अविद्या से बाहर निकलने के लिए बुद्ध ने मार्ग बताया, मैं आज नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि लंबा समय हो जाएगा। जब हमें लगेगा कि ये कायरता है, जब हमें लगेगा कि बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा, बिल्ली तो अपने मकसद से जा रही थी, मैं अपने मकसद से जा रहा हूं, बिल्ली का मेरे रास्ता काटने से क्या संबंध? कुत्ते ने अपना कान फड़फड़ाया तो अपनी मक्खी उड़ा रहा था, मेरे पास भी अगर मच्छर काटेंगे तो मैं भी प्रयास करता हूं, उसका मेरे काम से क्या संबंध? हम निर्भय हो जाते हैं। जितने भी मन में डर है हम निर्भय हो जाते हैं, और निर्भय होंगे जिस क्षण हम निर्भय हो जाएंगे उस क्षण हम खुश होंगे, और जिस क्षण हम खुश होंगे उस समय बुद्धि निर्मल होगी, और जब बुद्धि निर्मल होती है तब व्यक्ति सुख अनुभव करता है। बुद्धि का निर्मल हो जाना ही सुख है, और बुद्धि निर्मल होने के बाद हम जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय भी सही होगा, और निर्णय के लिए जो प्रयास करेंगे वो भी सही होंगे, और परिणाम जो आएगा वो भी सही होगा, वो सम्यक संकल्प हो गया। सम्यक दृष्टि बुद्धि का निर्मल होना है, और सम्यक संकल्प उस क्षण में बुद्धि की निर्मलता के साथ जो निर्णय लिया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम बेहतर आए, बुद्धि की निर्मलता और बढ़ जाती है। ये प्रज्ञा है। ये पाठ हमसे छूट गया। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें प्रज्ञा में जाना चाहिए था, और हम ज्ञान की बात करने लगे। ज्ञान क्या है? जानकारियों का संग्रह ही तो ज्ञान है। आप मुझसे पूछो कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, हो सकता मैं ना बता पाऊं। मुझसे पूछो कि प्रकाश की गति कितनी है, हो सकता ना बता पाऊं। वो जानकारियां हैं, मेरे पास नहीं है, नहीं हो सकती। लेकिन जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अविद्या को तोड़ने के लिए, अविद्या का नाश करने के लिए, प्रज्ञा में जाने के लिए, हो सकता है कि मैं मार्ग समझा पाऊं। तो बुद्ध का धम्म सीमाओं में नहीं है कि महिला के लिए अलग बात है तो पुरुष के लिए अलग बात है, ऐसी कोई बात नहीं। कुत्ते के कान फड़फड़ाने से, बिल्ली के रास्ता काटने से जिसके मन में डर पैदा हुआ, चाहे पुरुष चाहे महिला, वो अविद्या में है। हमें
इन बातों को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस दिन महिलाएं समझ जाएं, अविद्या से दूर हो जाएं, आप देखना उस दिन कोई ताकत नहीं जो आपके मन में भय पैदा कर दे। हम किसी के बनाए हुए सिद्धांतों से जीवन जी रहे हैं, अपना कोई सिद्धांत नहीं है। महिलाएं सूट और साड़ी पहनेंगे और पुरुष पैंट कमीज पहनेंगे, ये धारणा किसके मन में है? अब किसी महिला को कि आप भी पैंट शर्ट पहन लो, नहीं जी मैं कैसे पहन सकती, किसने कहा है? ये अविद्या है। बुद्ध इस अविद्या को तोड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं वस्त्र का काम शरीर को ढकना है, जो अच्छा लगे सो पहनो, लेकिन पुरुष साड़ी नहीं पहन सकता। महिला संकोच करती है वैसे पहना पहनने में, लड़कियां पहन लेती हैं। अभी समय बदल रहा है और बदलेगा, लेकिन सबसे पहली बात हमें अविद्या को दूर करना चाहिए। बुद्धि निर्मल हो जाए तो धम समझ में आ गया, किसी की भी हो जाए